विकास की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात वो करते हैं, और जिस तरह से वहां सौंदर्यकरण का काम हो रहा है उससे हमारा पर्यावरण भी प्रभावित नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान उन्होंने रखा है। अमित, मैं वापस आपका रुख करूंगी, लेकिन पूजा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान केदारनाथ को उस धाम में एक छत्र चढ़ाया था, वो चांदी का छत्र भी तस्वीरों में आप देखेंगे। और जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचते हैं तो वो इसी तरह से विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भवितस्समस्तमया, सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजाभ्यासाभुरभो नमामि शम्भो, नमामि शम्भो, नमामि शम्भो, नमामि नारण्यकराधवस्य भयं करं वापि सदा। तस्वीरें आप देख रहे हैं गर्भगृह से, जहां केदारनाथ धाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा अर्चना की, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के काम करने वाले मजदूरों से भी देखिए किस तरह से संवाद करते हुए, श्रमजीवियों से बातचीत करते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये वही श्रमजीवी हैं जिन्होंने मंदाकिनी आस्थापथ, सरस्वती आस्थापथ और जो तमाम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पर चल रहे हैं जिनका काम अभी जारी है, इन्हीं की बदौलत ये काम हो रहा है। और देखिए उनसे बैठ कर विस्तार से बात करते हुए, उनके अनुभवों को जानते हुए, साथ ही समझते हुए कि इन पहाड़ी इलाकों में क्या उन्हें किसी तरह की दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। अब ये वो खास व्हीकल आप देख रहे हैं जिसे एटीवी कहा जाता है, इस वाहन में सवार होकर पूरी केदार नगरी में जिस तरह से विकास के कार्य चल रहे हैं उनकी बारीकी से जानकारी लेते हुए, समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर शिनूक से इस व्हीकल को, एटीवी वाहन को यहां पर पहुंचाया गया है और इसी वाहन में सवार होकर एक एक चीज को, विकास कार्य की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। देखिए किस तरह से जो आसपास की घाटी है, जो चोटियां हैं वो बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं और वहीं जो निर्माण कार्य हो रहा है उसकी समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो आज 3400 करोड़ की सौगात प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है जिसमें कई प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले अगर गौरीकुंड को केदारनाथ से जोड़ने वाले रोपवे की बात करें तो 22 पिलर की मदद से ये रोपवे खड़ा किया जाएगा जिसमें 4 अहम स्टेशन्स होंगे और लगभग 1200 करोड़ की लागत इसमें आएगी। और लगभग 9.5 किलोमीटर लंबा जो ट्रैक है उसको छोटा करके 25 मिनट का कर दिया जाएगा, यानी कि गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने में जो 6 से 8 घंटे का वक्त लगता था अब इस रोपवे जब बनकर तैयार होगा तो वो वक्त 25 मिनट हो जाएगा। तो आप सोचिए कि वहां के लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा और इस वजह से भी धार्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की तरफ एक कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।